हाय हेलो नमस्ते सभी को। फिर से जो नए जुड़े हैं अभी, जिसको नहीं पता है या जो नए जुड़े हैं, मेरा नाम तरुण तेजा है। और तो आज का सेमिनार बेसिकली एग्रीकल्चर के ऊपर होने वाला है और एग्रोकेयर प्रोडक्ट्स हमारा रेंज है, बुवाई से लेके कटाई तक, कपास की खेती, कॉटन की खेती, क्योंकि हमारा इंडिया बहुत भुगतान करता है कॉटन की खेती में और हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्रीज है जो कि रॉ मेटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं कॉटन का। तो हमारे जमाने में हमारा कॉटन इंडस्ट्री बहुत बड़ा था, नाउ बांग्लादेश वो सब लीड कर रहे हैं रिगार्डिंग कॉटन इंडस्ट्री। कोलकाता वाज वन ऑफ द लीडिंग टेक्सटाइल ब्रांड फ्रॉम आवर, मतलब वो बहुत अच्छे टेक्सटाइल्स बनाते थे और बहुत सारे रीजन्स भी हैं जो टेक्सटाइल्स अच्छे बनाते थे। तो इसीलिए आप, मतलब आप सभी के लिए आज कपास की खेती के बारे में आ रहा है। और विपिन जी, आप जो रिकॉर्डिंग्स है वो हमारे यूट्यूब में मिल जाता है, आप मेरा नंबर चैट बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहां से भी ले सकते हो अगर आपको मेरा जो स्लाइड्स है वो चाहिए। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हमारा वेब सेमिनार कपास की खेती के बारे में। तब आप सभी जान पाएंगे तभी कैसे हम बुआई से लेकर कटाई तक कपास की खेती को हम कम पैसे से और ज्यादा लागत से और ज्यादा पैदावार हम कमा सकते हैं उससे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, कॉटन बेसिकली कॉटन एक कैश क्रॉप होता है। हमको इससे क्या है ना, हमको ये पैसा ही देता है हमको बस, और ये खाने की चीज नहीं होता है। ये एक्चुअली इसका ऑयल सीड्स सीड्स जो होता है, इसका ऑयल निकालते हैं, लेकिन इंडिया में उसका इंडस्ट्री नहीं है, ये बाहर में होता है इसका ऑयल जो निकालना। तो ये बेसिकली कैश क्रॉप कहलाता है या फाइबर क्रॉप कहलाता है। ये कैसा, हम कपड़े के लिए या हमारा पैसे जनरेशन के लिए, उसके लिए हम उगाते हैं, खाने के लिए या वैसे के लिए नहीं, इसलिए इसको कैश क्रॉप कहते हैं। और ये आप मतलब हमारा, मैं जैसे बताया था, हमारा इंडियन इकोनॉमी में कॉटन बहुत भुगतान करता है। लाइक यू कैन, मतलब पहले जूट था, उसके बाद पॉपी का हो गया, उसके बाद मैरिजुआना का जो टेक्सटाइल में था वो सब आता है। तो अब कॉटन का ट्रेंड था और हमारा इकोनॉमी इतना अच्छा होता है कॉटन के वजह से दैट वी एक्सपोर्ट अ लॉट गुड्स टू बहुत सारे कंट्री को, हमारे रॉ मेटेरियल्स बहुत सारे कंट्री को जाते हैं। लगभग कॉटन कितने किसान को, 3 मिलियन, मतलब बहुत तादाद में किसान इसको उगाते हैं और ये 50 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट का जरिया है। इससे 50 मिलियन लोगों को रोजगार मिलता है हमारे भारत में, इसका प्रोसेसिंग में, इसका ट्रेडिंग में, इसका एक्सपोर्टिंग में, इसको बनाने में, इसको बेचने में, ये सब में 50 मिलियन लोग का भुगतान है, उनको रोज आमदनी इससे ही मिलता है, कपास से ही। बेसिकली जी हिर्सुटम एक वेराइटी है, इसमें बहुत सारे वेराइटी हैं, लाइक बीटी कॉटन, जी हिर्सुटम, तो ये बहुत सारे वेराइटीज में आता है, लेकिन जी हिर्सुटम एक बहुत प्रीडोमिनेंट स्पीसीज है, ये हर जगह उग जाता है। और हमारे देश भारत में एक ऐसा ही देश है कि हर कोई भी कपास का कोई भी वैरायटी, भारत में हर एक वैरायटी उगता है, और ऐसा कोई देश नहीं है कि कहीं पे भी हर जगह का वैरायटी में उग सकता है कपास का। तो हमारे भारत में हर एक वैरायटी का कपास अच्छे से उग जाता है। तो बेसिकली ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका मिट्टी कैसा है, आपका वातावरण कैसा है, उसके हिसाब से शॉर्ट ड्यूरेशन या लॉन्ग ड्यूरेशन, आपका जो सनलाइट है, आपका जो सूर्य का किरण है वो ज्यादा दिन रहता है, ज्यादा देर तक रहता है या कम देर तक रहता है, आपका उमस कैसा है, आपका मिट्टी कैसा है, आपका वातावरण कैसा है, उसके हिसाब से आपका वेरायटी डिसाइड होता है। तो ये आपको किसान जो है उसको पता होता है बेसिकली कौन सा वेरायटी साल दर साल वो आ रहा है या कौन सा वेरायटी ज्यादा आ रहा है, तो ये आपको पता चल जाएगा। और आने वाले स्लाइड में आपको वेरायटीज का भी मैं सजेशन दूंगा, कौन सा वेरायटी कितने डिस्टेंस में आप लगाएंगे तो कितना आपको लाभ होगा, कितने डिस्टेंस में आप कितना लगाएंगे तो कितना टन का, कितना क्विंटल का हमारे पास कपास होता है, वो सब हम डिटेल में जानते हैं। तो इंडिया में बेसिकली मतलब 3 मेजर रीजन होते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन और साउथ जोन। और ये नॉर्थ जोन क्या क्या आता है, नॉर्थ जोन में हमारा बेसिकली आता है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान,
इस जगह में कपास का खेती होता है और ज्यादा तादाद में थोड़ी बहुत होता है जो नॉर्थ रीजन में होता है, और बाकी जो रीजन में है हमारा सेंट्रल रीजन में मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र जैसे जगह में बहुत तादाद में होता है। और साउथ जोन में कौन कौन सा आता है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटका और उसके बाद हमारा जो आप बहुत सारे मतलब लाइक महाराष्ट्र भी, महाराष्ट्र एक्चुअली सेंट्रल जोन में आ जाता है, और ओडिशा भी, ओडिशा एक्चुअली नॉर्थ सेंट्रल जोन में आता है या ईस्टर्न सेंट्रल जोन में आता है। ये बहुत सारे जगह है, ये राज्यों में बहुत तादाद में इसका इस्तेमाल होता है। आप और बेसिकली ये भी आप बेसिकली ये भी जान सकते हो कि हमारा जो है मतलब छोटे किसान जो है वो बहुत तादाद में करते हैं कपास को, बेसिकली त्रिपुरा में, वेस्ट बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, ऐसी जगह में, मध्य प्रदेश में, ऐसी जगह में छोटे छोटे स्केल में किसान कपास का वो मतलब उगाई करते हैं। क्या मैं सुनाई दे रहा हूं आप सभी को? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूं। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? प्लीज एस डाल दीजिए चैट बॉक्स में। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मेजर कौन से स्टेट है और कितना मैक्सिमम सेलिंग प्राइस होता है राज्य में, या वो भी जानते हैं हम। एक्चुअली नियरली 65% हमारा जो कॉटन एरिया है वो रेनफेड है, मतलब पानी की किल्लत में जिस जगह पे होता है, जिससे ज्यादा भुगतान सेंट्रल या साउदर्न स्टेट में, जहां पे पानी का भुगतान इतना ज्यादा भी नहीं इतना कम भी नहीं होता। ये हाईली क्या होता है, कॉटन का खेती बेसिकली ये ज्यादा मतलब कीड़ा और ज्यादा बीमारियों को लगता है। हमारे एस एच पी एल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से आप पहले ही वो बीमारियां और कीड़ा जो आपको हानि पहुंचाता था, तनाव पहुंचाता था पेड़ को, वो कम हो जाता है। इससे क्या होता है, आपकी लागत कम होता है। जैसे कि आप मान लीजिए अगर आप सीड ट्रीटमेंट हमारा नीम में और ग्रीन के साथ कर रहे हो, वो आपको 1,000 रुपये में आता है। वही चीज अगर आप स्वैल के प्रोडक्ट या यूपीएल के प्रोडक्ट या कोई और के प्रोडक्ट में जाते हो तो वो 1,000, 1,200, 1,400 के ऊपर का रेंज में आता है। तो वहां पे ही आपका क्या है, 500 से 600 रुपए का जो भुगतान था, वो भी एक बार नहीं, वो 1 लीटर ले लिए तो कटाई से लेके बुआई से लेके कटाई तक आपका काम आता है। ये बस एक बार लगाने के लिए आपको 1,400, 1,500 रुपए लगता है केमिकल का। तो ये है, अगर आप पहले से किसान को ये हमेशा किसान को पता होना चाहिए कि आने वाले दिनों में फसल में बीमारी आने वाला है, ये तो हमको पता है। आप अगर पहले से उसका निवारण कर लेते हो तो आपको केमिकल में जाने की जरूरत नहीं होता है। कपास की खेती में आप, मेरा सुझाव ये होता है कि केमिकल ना इस्तेमाल करिए, क्योंकि केमिकल का इस्तेमाल करने से आपका वातावरण, आपका सेहत, सबका सेहत बिगड़ जाता है, मिट्टी का जो बनावट है वो बिगड़ जाता है। आप जो तादाद है केमिकल का वो ज्यादा डाल देते हो, किसी को पता नहीं होता है, तो वो किसान क्या करता है अपना जो फायदे के लिए वो जो मतलब पेस्टिसाइड शॉप वाले या इंसेक्टिसाइड शॉप वाले वो ज्यादा दे देते हैं, और किसान वो जाके लगा ले भी लेता है, उसको पता नहीं होता है। लेकिन आने वाले दिनों में वही कीड़ा उसको मरता नहीं है, वो केमिकल के कारण मरता भी नहीं है, क्योंकि उसका मतलब कोड है, मतलब वो केमिकल से ये बच भी जाता है। आप ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे तो आपका तादाद भी उतना ही बढ़ता जाता है, आपका जो कीड़ा लगने की प्रक्रिया है वो भी इवोल्यूट होता है, वो भी म्यूटेट कर लेता है। तो आपको धीरे धीरे करके कम करना है आपका केमिकल का इस्तेमाल। कैसे कम कर सकते हो, पहले साल में अगर आप लगभग मान लीजिए 50 से 60 किलो का यूरिया इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप पहले साल में उसको 30 किलो तक ला लीजिए, 50% कम कर लीजिए। दूसरे साल में उसको 30 से 20% लाना, तीसरे साल में आपको बिल्कुल ना भी लगा सकते हो या 10% तक लगा सकते हो। 10 से 20% तक आप अगर लगा रहे हो वो सही है, उससे गलत ही नहीं है, आपके मिट्टी के लिए, वातावरण के लिए कोई चीज गलत नहीं। आप अगर उसको ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हो तभी वो गलत होने लगता है, क्योंकि आप किसी को पता नहीं है। एक मतलब मैं बहुत सारे फील्ड में गया हूँ, जितना डोसेज रिकमेंड होता है यूरिया का या सिंथेटिक फर्टिलाइजर का, उसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना डालते हैं किसान। उनको क्या लगता है कि डालने से ज्यादा पैदावार आ जाता है, नहीं, ये उनका भ्रम है, ये उनका क्या है, ये एक हेलुसिनेशन है किसान का। वो बगल वाला खेत देख के अपना खेत को भी वैसे ही करना चाहता है, लेकिन आपको पैदावार चाहिए, आपको हरा भरा पौधा पैदावार नहीं देता है, आपको थोड़ा भी हरा भरा नहीं होगा, लेकिन पैदावार आपको अच्छा होना चाहिए, ये है हमारा मकसद। तो एस एच पी एल हमारा
बहुत सारे कैटेगरीज है, धीरे धीरे हम स्लाइड में जानते रहेंगे कैसे और क्या हम उगा पाएंगे, कैसे हम यूज कर पाएंगे कपास की खेती में। कितने तादाद में आपका पैसा, कितने तादाद में आपका पैसा बिका है वो कैसे पता चलेगा? मीडियम स्टेपल में आपको 2011 से 12 तक 2800 में बिका था कपास, और लॉन्ग स्टेपल में 3300। मतलब मीडियम स्टेपल लॉन्ग स्टेपल मतलब ये जो क्रॉप होता है वो कांड का बड़ा होता है, तो ये कपास जो है, जो कॉटन है, ये आपको 2800 से 3300 रुपया पर क्विंटल बिकता था, और 2012 से 2013 तक 3600 3900। यही चीज अगर आप धीरे धीरे आप पैसे लागत अगर आप कम करके उसके बाद मतलब केमिकल में ना जा रहे हो तो इससे आधा भी हो सकता है। मतलब आप 1 एकड़ का जमीन 2500 या 3000 में आप उगाई कर सकते हो, पर आप केमिकल का इस्तेमाल करने के कारण वो एक ही केमिकल का डोज एक बार में इस्तेमाल करने के लिए आपको 1000 रुपए से ज्यादा लगता है। तो आई रिकमेंड यू ऑल, जितना तादाद में कम कर सकते हो उतने तादाद में केमिकल कम कर लीजिए। तो ये है एरिया और प्रोडक्शन। अब हमारे इंडिया का कितना भुगतान करता है कॉटन का, तो ये भुगतान, ये है पंजाब का कितना भुगतान किया, मतलब क्वांटिटी इन बेस होता है, जो हमारा कपास थोड़ा अलग क्वांटिटी में इसको मतलब तोलते हैं, केजी में नहीं बेल्स में तोलते हैं, तो ये बेल्स में है। ये पंजाब का है, हरियाणा का है, तो ये बेसिकली आपके नॉलेज के लिए, ये जानकारी के लिए। अगर ये क्षेत्र में कोई किसान अभी देख रहा है या पार्टिसिपेट कर रहा है हमारे वेबिनार में, तो ये क्षेत्र में ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट स्पीस मतलब स्टेट है जो कपास का खेती ज्यादा करते हैं, देख लीजिए। तो ये आपकी जानकारी के लिए है, ये जगह में, ये क्षेत्र में हम कपास अच्छे से हमको उगा उगा सकते हैं। ये देखिए, ये स्टेट वाइज कितने तादाद में मैक्सिमम सेलिंग प्राइस कितना था आपका कपास का, ये जानकारी है साल दर साल 2005 से लेके आपको 2016 तक का। मतलब मैं लगभग मान लीजिए 10 साल का मैंने एवरेज निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। ये सब हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से ही मैं लाया हूँ, ये मेरा कोई नहीं है, ये गवर्नमेंट जो दिया है उसका ही मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये बेसिकली भुगतान ही है, ये देख सकते हो ये कितने कीमत में बिका है, कितना तादाद भुगतान था हमारा पैसे में। तो ये है बेसिकली हमारा मतलब इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द वर्ल्ड ऑफ कॉटन प्रोडक्शन। आप समझ तो पा रहे हैं ना मेरा बात, या अगर मैं थोड़ा स्लो बोलूं या ज्यादा जोर से बोलना है वो भी सुझाव दे सकते हो आप। ओके ओके प्लीज कोई एज डाल दीजिए। ओके 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 थैंक यू थैंक यू। तो ये भी और एक मंथली एवरेज है, ये बेसिकली ये मैं आपके ध्यान में रखने के लिए रखा हूँ, क्योंकि ये किसान को पता नहीं होता है कि कितने कीमत में उसका क्या बिकता है तादाद। ये बेसिकली गवर्नमेंट का रेट होता है। आप अगर कुछ जानकारी चाहना चाहते हैं कहाँ पे बेच भी सकते हो, वो मैं आपको रिकमेंड भी कर सकता हूँ, कहाँ पे आपको ज्यादा पैसे में आपका प्रोडक्ट बिकता है वो भी हम बताते हैं, क्योंकि किसान को अल्टीमेट हमारा गोल है सर्वश्री का, हर घर में सर्वश्री का प्रोडक्ट होना चाहिए, हर घर में हर कोई मतलब किसान हो, हर एक कोई अब वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करके वो लाभ पाए, तो यही हमारा मकसद है। तो हमारा भारत कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करता है कपास? पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करता है, बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता है, चाइना को एक्सपोर्ट करता है, वियतनाम को एक्सपोर्ट करता है, इंडोनेशिया को एक्सपोर्ट करता है। आजकल बहुत सारे कॉटन मिल्स आ गए, पहले इतना कॉटन मिल्स नहीं था। तो ये हम बस बेसिकली आपको ओवरऑल व्यू के लिए हमने बताया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये 2016 का सेंसस के कारण ये आपका है। तो ये क्वांटिटी हो गया, कितने टन्स में ये बिका है, कितने क्विंटल्स में ये बिका है, तो ये क्वांटिटी हो गया, और ये वैल्यू है, इतने तादाद में हमारा पैसा आया है बाहर से, तो ये बहुत बड़ा भुगतान है। ये हमारा मतलब लगभग आप देख सकते हो ये बहुत लाइक क्रोर्स में है, ये हमारा जो पैसा आने वाला है। तो ये मतलब मैं ये सुझाव देता हूँ कि अगर आप आपके घर मतलब इंडिया में ही अगर आप रॉ मेटेरियल्स प्रोडक्शन या आपके पास ज्यादा तादाद में है, तो यू कैन एस्टेब्लिश रॉ मतलब एक्सट्रैक्शन फैक्ट्री, कॉटन एक्सट्रैक्शन फैक्ट्री आपके पास रख के वहां से भी किसान लाभ पा सकता है।
इम्पोर्ट हमारा देश भी इम्पोर्ट भी करता है, लेकिन ज्यादा तादाद में इम्पोर्ट जो होता है वो क्या होता है कि वो प्रोसेस फॉर्म में होता है, हमारे पास से जाता है वो चीज और वहां से फिर से आता है हमारे पास। तो ये है बेसिकली, ये पांच राज बाहर का देश है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, माली। माली आप सभी को ये लाइक इंडोनेशियन कंट्री में एक आता है, इजिप्ट, कोटेडी, और ये स्पेन में है। तो ये सब आ देश है बाहर का जो हम इंपोर्ट करते हैं। ये अराइवल से कितना क्या है पंजाब का, तो ये आप जान चुके होंगे, तो बेसिकल ओवरऑल व्यू है। अब चलते हैं डिटेल में कॉटन का, कपास का खेती कैसे करना है। ये चार वेरायटी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये चार वेरायटी है जो कि आप कहाँ कहाँ लगा सकते हो। जहां पे पानी हो, नॉर्दर्न और साउदर्न में जहां पे पानी है आपको 20 से 22 किलो, साउथर्न रीजन में 10 से 15 किलो लेके आपको बीज लगाना है। 75 to 15 सेंटीमीटर या 75 to 30 सेंटीमीटर, मतलब पौधे पौधे में 75 to 30 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए आपको। ये आप देख के चलना चाहिए, क्योंकि किसान क्या करता है पास पास लगा देता है। अगर कम जगह में पास पास लगाओगे तो ज्यादा उसको कॉम्पिटिशन रहता है एक दूसरे का, थोड़ा दूर लगाओ आपको ज्यादा तादाद में मतलब पैदावार मिलता है। तो ये बेसिकली आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको जानकारी होगा। अगर आपके क्षेत्र है, देखो यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न साउदर्न है, नॉर्थ सेंट्रल साउदर्न भी है, कितना किलो का कपास आप लगाना चाहिए, बीज कितने स्पेसिंग में आप लगाना चाहिए, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके आप जानकार हो सकते हो। ये कारगर तरीका है, क्योंकि किसान क्या करता है ना, वो अपने अनुमान से लगाता है। ये जो रिसर्च करके कारगर तरीका है, ये तरीका से अपना के आप ज्यादा पैदावार कमा सकते हो। और बीटी हाइब्रिड्स का मतलब, हाइब्रिड आजकल बहुत सारे हाइब्रिड आ गए। बीटी मतलब बायोटेक्नोलॉजी हाइब्रिड, मतलब ये पौधा ऐसे बना हुआ होता है कि पिंक बॉल वर्म्स मतलब सूढ़ियां या कुछ लगने से पहले अगर वो आपकी खा भी ले वो मर जाते हैं, मतलब बनते नहीं है, उसमें ज्यादा कीड़ा नहीं रहता। तो बीटी हाइब्रिड्स लेना ही आप ज्यादा प्रिफर करना, क्योंकि उससे ज्यादा आपकी पैदावार बढ़ता है। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेटिव में आप देख सकते हो 150 ग्राम ऑफ नॉन बीटी सीड स्पेसिंग का मतलब ये है। ग्रोथ हैबिट पर्टिकुलर हाइब्रिड में, नॉर्मल हाइब्रिड में ये अपना सकते हो आप, लगभग 2 से 3 किलो, और ये 1.5 किलो का होता है, मतलब 1.5 kg में आप ले सकते हो। कैसा मिट्टी चाहिए, कितना तापमान चाहिए वो जानते हैं हम अभी। एक्चुअली कॉटन क्या है, सेमी जेरोफाइट है, मतलब ये जो एग्रीकल्चर पढ़े हैं उनको पता होगा सेमी जेरोफाइट का मतलब। ये क्या है, ये बेसिकली जाइलम फ्लोइंग कटन, मतलब फाइबरस ज्यादा होता है इसमें। लाइक जो होते हैं कांड का, या ये मतलब धारदार जैसा रहता है। और ये कहाँ पे, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, हमारा जो क्षेत्र है वो सब ट्रॉपिकल कहलाता है, वहां पे ज्यादा उगता है। और इसका मिनिमम ये होना चाहिए 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए जब आप बीज लगाते हो। ये बढ़ने के वक्त में 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जब आप कटाई करें तभी इसका सेल्सियस 43 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और ये बेसिकली 21 से 23 डिग्री, मतलब 21 से 30 डिग्री सेल्सियस के अंदर ये बहुत अच्छे से उग सकता है। 43 तक ये रेजिस्ट कर लेता है, लेकिन धीरे धीरे आपको देखना पड़ेगा, उसको कंडीशनिंग रहना पड़ेगा। ये आपको हमेशा पता होना चाहिए, हमेशा गर्म के मौसम में और ज्यादा दिन जो मतलब ज्यादा धूप जो पड़ता है तभी आपको अच्छा मिलेगा। आप अगर अभी लगाओगे तो सही रहता है। और अभी बहुत सारे मतलब पहले का किसान अभी लगा चुके हैं, जहां पे अभी मैं तेलंगाना में हूँ तो अभी किसान कपास का खेती करना शुरू कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में, वरंगल में और आंध्र प्रदेश में कपास का खेती अभी शुरू होने वाला है या कटा आ चुका है। ये दो दो वैरायटी होता है, ये रेनफेड का होता है, एक नॉर्मली इरिगेशन का होता है। दो वैरायटीज में, दो टाइम में ये होता है। कौन सी मिट्टी में आपको अच्छा हो जाता है, ब्लैक क्ले सॉइल मतलब डेकान प्लेट्यूज, जो प्लेट्यू रीजन में जहां पे मिलता है, जहां पे ब्लैक कलर में ज्यादा होता है, जहां पे फेरस कंटेंट ज्यादा मिलता है वहां पे होता है। मिक्स ब्लैक कलर सॉइल्स में भी होता है, रेड सॉइल्स में भी होता है। रेड सॉइल थोड़ा साउथ जोन में ज्यादा मिलता है, ब्लैक सॉइल थोड़ा कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना में मिलता है, आंध्र प्रदेश कई क्षेत्र में रेड सॉइल मिलता है, जैसे अनंतपुर हो गया वैसे जगह में।
और ये थोड़ा सेमी टॉलरेट होता है। अगर आपके क्षेत्र में थोड़ा उबतापन या आपके क्षेत्र में थोड़ा क्या बोलते हो, ज्यादा नमी या ज्यादा क्या हो, मतलब नमी ज्यादा कहीं पे होगा तो वहां पे ज्यादा आपकी नुकसान होगा। कहाँ पे अगर ज्यादा मतलब सैलिनिटी या ज्यादा आपके नमक की क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा हो गया है आपकी मिट्टी में, या पीएच बैलेंस गिर गया है, वहां पे भी ये उगता है। ये आपको अच्छे से बैलेंस करने में होता है, और ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। ये जहां पे पानी अच्छे से चला जाता है वैसे वैसे जगह में आप लगाना। अगर पानी रोक के रख रहा है तो ये आपको गला देता है, ज्यादा फंगल, ज्यादा बैक्टीरियल, ज्यादा वायरल बीमारियां लगता तो जब आप मिट्टी बना रहे हो, तो मिट्टी बनाने के वक्त हमारे पास टोटल हमारे पास क्या है, तीन प्रोडक्ट है। डीएपी का अल्टरनेटिव, यूरिया का अल्टरनेटिव, नैनो यूरिया का अल्टरनेटिव। डीएपी या एमओपी या खाद आप जब भी इस्तेमाल करते हो, या रेत के साथ आप जब भी कुछ बिखेर रहे हो, तो ये आप हमारा ह्यूमिक ग्रैनुलस ले लेना। ये 5 किलो का कट्टा आपके 1 एकड़ में आता है। ये आपको हमेशा ये देख के चलना है कि ये अगर आप लगा रहे हो तो ये आपको अच्छे से छिड़काव करना। इसके साथ क्या क्या लगा सकते हो, ब्लैक मैजिक, और आने वाले स्लाइड में जानते हैं ब्लैक मैजिक हमारा एक हीरो प्रोडक्ट है। इससे क्या होता है, ये उबतापन, ये और मैक्स अगर मिला के लगा रहे हो तो इससे उबतापन वो सब बीमारियां मिट जाता है। और अगर सुपर गोल्ड लगा रहे हो तो सुपर गोल्ड में क्या है ना, जो सूर्या या आने वाले दिनों में कीड़ा या जो मतलब जड़े काटने की कीड़ा, वो सब आपको नहीं आता है। डॉक्टर गोल्ड, डॉक्टर गोल्ड एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देता है। ये आपकी जो भी बीमारी आता है, अगर आपको पता नहीं चलता फफूंद का बीमारी हो, या आपका बैक्टीरियल हो, वायरल हो, मिट्टी से हो, या बीज का कोई बीमारी हो, या पहले से ही आपका कोई बीमारी मिट्टी में रह गया हो, वो सब मिटाने में काम आता है। ये अगर आप पहले ही लगा लेंगे तो आपकी नौबत केमिकल में ज्यादा जाने की पड़ेगी नहीं, पर आप कॉटन में थोड़ी बहुत केमिकल इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये मैं ही सुझाव दे रहा हूँ। मैं हमेशा ये बोलता हूँ केमिकल कभी मत इस्तेमाल करना, क्योंकि कॉटन में ज्यादा कीड़ा लगता है, तो थोड़ा बहुत केमिकल इस्तेमाल करना सही है। इसका हम खाना नहीं खाते हैं ना, तो इसका हम बस कपड़े करते हैं, तो थोड़ा बहुत केमिकल सही है। लेकिन ये नहीं है कि कहीं पे अगर लगना है आधा पावले 200 ml, 250 ml लगना है, आप वहां पे 1 लीटर डाल रहे हो, 500 ml डाल रहे हो, तो ये गलत है। जितना बोला है उतना डालो या उससे कम डालो, हमारा कॉम्बिनेशन करके। अगर हम हमारा स्टिकर कॉम्बिनेशन करके डालते हैं, वो पावर जो 10 दिन का था वो 20 दिन तक रुकता है। ये एक स्प्रेडर, ये एक एडजुवेंट, ये एक वेक्टर की तरह काम करता है। ये पत्ते की सतह पर छोड़ देता है और ये धुलता नहीं है। तो आने वाले स्लाइड में डिटेल में जानते हो। वैसे ही आप सभी को पता है आजकल नैनो यूरिया आ गया, तो नैनो यूरिया के चलते आप इसका स्प्रे भी कर सकते हो। इसके साथ आप वैसे भी स्प्रे कर सकते हो बिना नैनो यूरिया का, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके, सुपर गोल्ड का इस्तेमाल करके और डॉक्टर गोल्ड का इस्तेमाल करके। जब आप मिट्टी का नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब बीज लगाने के बाद या 15 या 20 दिन के बाद, बीज को बड़ा होने के बाद, ये भी आप कर सकते हो। ये हमेशा याद रखना, आप जब सीड ड्रेसिंग करते हो या बीज लगाते हो, ह्यूमिक लिक्विड का, ग्रीन का, कार्बन का और नीम का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसको अगर 5 5 ml, 10 10 ml आप अगर लगा रहे हो सभी में, आप 1 1 लीटर से हर कुछ ले लीजिए, 7,500 में आपको हर एक प्रोडक्ट आ जाएगा। और ये प्रोडक्ट आपको एक बार में नहीं, कटाई से लेके बुआई तक तो आपको काम आएगा। लेकिन आप अगर केमिकल में जाते हो, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, आपको ज्यादा ही आएगा और इसमें बचेगा भी, अगले खेत में आप इस्तेमाल भी कर सकते हो। और केमिकल का एक्सपायरी डेट भी होता है, उसका पावर भी डिक्रीज हो जाता है। अगर आप धूप में रखेंगे वो सड़ जाता है, गल जाता है, उसका काम ही नहीं होता है, पावर चला जाता है। हमारा ऑर्गेनिक, हर कुछ ऑर्गेनिक है, जैविक बिल्कुल है। ये आपको हानि नहीं पहुंचाता, वातावरण को नहीं पहुंचाता, आपके सूक्ष्म जीव नहीं मरते, केचुए नहीं मरते, आपका मिट्टी का जो बनावट है वो बिगड़ता भी नहीं है। ये हर कुछ में काम आता है, ये सभी को ढाल के आता है, ये वातावरण को, आपको, सभी को प्रोटेक्ट करता है। तो मैं सजेस्ट ये करता हूँ, केमिकल का लागत कम करना, केमिकल लगाना कम कर लीजिए, और जो हमारा जैविक है वो बढ़ाना, धीरे धीरे कम करते हुए ये धीरे धीरे बढ़ाना। अगर आप जैविक ही करते हो तो बहुत अच्छा है। आप कुछ केमिकल ना इस्तेमाल करके बस हमारा
सरस्वती का इस्तेमाल करिएगा, आपको बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ दावे के साथ आपको रिजल्ट दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि आजकल कर्नाटका में अड़प्पा सर भी हैं, बहुत सारे सर हैं जो कि रिजल्ट ला रहे हैं। साउथ इंडियाज में बहुत सारे पुरुषोत्तम जी हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो रिजल्ट ला रहे हैं, तो आप उनको कंसल्ट करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे हम हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें एग्रो में और उससे ज्यादा हम पैदावार कमा सकते। जैसे हमने बताया था सरोब्लाइट मैजिक, ये भी ह्यूमिक एसिड 98% होता है और बहुत सारे खनिज तत्वों से भरा हुआ होता है। ये जड़ विकसितता में काम करता है, उत्तापन दूर करने में काम करता है। आपका यूरिया ज्यादा लगाने के कारण आपकी मिट्टी जो कठोर बनती थी वो कठोरपनता मिटाने में काम आता है। और ये जो मतलब हमारा जड़ अच्छे से अंदर तक जाए, अगर हवा भी लगे गिरे ना, अगर कोई कीड़ा भी लगे गिरे ना, इसको ये काम में काम बहुत अच्छा आता है। आप इसको किसके साथ इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे हमने बताया था हर कुछ के हमारा कॉम्बिनेशन हर एक के साथ आप कर सकते हो, लेकिन जो प्रिफर्ड कॉम्बिनेशन है ह्यूमिक ग्रैनुल्स के साथ, ह्यूमिक लिक्विड के साथ आप इसको स्प्रे कर सकते हो। और हमारे पास और एक है मैक्स, मैक्स के साथ अगर आप स्प्रे करते हो तो उबतापन की बीमारियां, पीएच जो आप देखे होंगे कहीं कहीं जगह आपके खेत में पीला पीला धब्बा पड़ जाता है, ये पीला पीला धब्बा जो है ये आपका रोक देता है, ये आपका क्या करता है आपकी जो आने वाले दिनों में ये जो भी आपको उबतापन है ये कम कर देता है, धीरे धीरे पानी रोकने की प्रक्रिया बढ़ा देता है। ये आप किसके साथ, खाद के साथ, या आप गोबर के साथ, ये आप ह्यूमस के साथ, ये आप ह्यूमिक ग्रैनुल्स के साथ, ह्यूमिक लिक्विड के साथ, ग्रीन के साथ छिड़काव कर सकते हो। प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट, ये बार बार दोहराएंगे नहीं और यही चीज आप बार बार पूछते भी हो। और यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिकमेंडेड में भी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो। ये हर एक खेत में ऐसे कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल कर सकते हो थोड़ा बहुत अदला बदली करके। आपको मेरा नंबर है, आप मेरे से सुझाव भी ले सकते हो, कोई भी किसान है, बस आपको टाइम का ध्यान रखना है, सुबह 9 से लेकर शाम के 6 बजे 8 बजे तक प्लीज करना, उससे ज्यादा नहीं। मेरा भी पर्सनल काम रहता है, मेरा भी फैमिली है, आई हैव टू स्पेंड सम टाइम विद देम, प्लीज। हाँ, हितेश जी, कार्बन का प्रोडक्ट का भी मैं अभी आने वाले स्लाइड में बताऊंगा, प्लीज सबर कीजिए, मैं हर एक प्रोडक्ट का हर एक वीडियो में बताता हूँ, बस आप सबर करके रहिए। राजेश जी, मेरा नंबर चैट बॉक्स में ऊपर होगा या लास्ट में मैं डाल देता हूँ, ठीक है जी? ओके ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप सभी को समझ में आ रहा है, मैं लास्ट में डाल दूंगा राजेश जी, प्लीज बस। ओके 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 हितेश जी, ओके। वैसे आप जब बीज लगा रहे हो ये सबसे अच्छा मतलब ये प्रक्रिया सबसे इम्पोर्टेंट प्रक्रिया, वाइटल प्रक्रिया या बहुत मेजर प्रक्रिया है ये, आपको अच्छा मतलब जो हमारा बीज है वो अच्छा लेना पड़ता है, जो हमारा विकनम है वो अच्छा लेना पड़ता है। आप अगर अगर अच्छा बीज लेंगे तभी आपको अच्छा पौधा मिलेगा, अच्छा बीज का पौधा ही अच्छा पैदावार देगा। आप कब लगा सकते हो, जनरली ये हमारे नॉर्दर्न इंडिया में अप्रैल में मई में लगा देते हैं, हमारे साउथ में डाउन साउथ को मानसून में लगाते हैं, मतलब इस दौरान लगाते हैं। कॉटन एक खरीफ स्टॉक क्रॉप होता है बेसिकली, क्योंकि उसको ज्यादा गर्मी चाहिए, पानी भी उतना चाहिए, तो ये आपको पंजाब हरियाणा राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश कर्नाटका ये सब जगह में आपको मिल जाएगा। ये सब जगह में पानी अच्छा खासा मार्च से मई में मिलता है, क्योंकि थोड़ी बहुत बारिश भी होता है, और रेनफेड जगह में जैसे अप्रैल और मई में, जून और जुलाई में ये आपके नॉर्थ रीजन में ये सब मिल जाएंगे। इन तमिलनाडु बहुत सारे ईसाई इरिगेटेड और रेनफेड भी कर लेते हैं, हमारे आंध्र प्रदेश में इरिगेटेड और तेलंगाना में इरिगेटेड और रेनफेड दोनों कर लेते हैं। ये नवंबर तक खींचता है कभी कभी, कभी कभी अक्टूबर में कटाई हो जाता है, नवंबर में कभी कभी कटाई होता है। यूजुअली क्या होता है कि आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में थोड़ा लेट सोइंग होता है, अगस्त और सितंबर में भी सो करते हैं, क्योंकि वहां पे रिटर्निंग मॉनसून तभी आता है, तो तभी सो करते हैं। तब तक ये दूसरी खेत कर लेते हैं, या सब्जी कर लेते हैं, या पल्सेस कर लेते हैं, या सीरियल्स कर लेते हैं उसके अलावा। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो जो जिस क्षेत्र से है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, कब आपको बोना है ताकि आपको अच्छा पैदावार मिले, कब आपको कटाई भी करना है ताकि आपको अच्छा पैदावार मिले, ये भी मैं लिख के भेज रहा हूँ, आप सभी को प्रेजेंट कर रहा हूँ। प्लीज आप ये सब स्क्रीनशॉट ले सकते हो या रिकॉर्ड
रिकॉर्ड होने के बाद ये यूट्यूब में देख सकते हो आप, या मेरे से भी आप ये फाइल पूछ सकते हो, मैं आपको भेज दूंगा डिटेल। मिट्टी कैसे बनाना है आपको हमेशा, मतलब ये चलना है कि नॉर्थ में हमारा जो गेहूं के बाद लगाते हैं, यहाँ पे हमारे डाउन साउथ में इसको लगाने के बाद बहुत सारे लोग राइस भी करते हैं, बहुत सारे लोग पल्सेस भी करते हैं, और बहुत सारे लोग दे अल्टरनेटिव इंटरक्रॉपिंग भी कर लेते हैं। ये सेंट्रल साउथ जोन में ये बेसिकली होने के बाद रिचेसन फरोज में, जैसे हम बांध बना के एक एक जगह को 2 से 3 मीटर ऊपर उठाते हैं मिट्टी को, वहां पे बीज लगाते हैं ताकि ये पानी जो है अच्छे से जा पाए और मॉइस्चर अच्छे से बना रहे। कैसे आप लगा सकते हो, बहुत सारे लोग ट्रैक्टर से लगाते हैं, गाय उसके हिसाब से लगाते हैं, या सीड ड्रिल आजकल आ गया, डिबलिंग मेथड, हैंड डिबलिंग मेथड, मतलब अब जाके डुबाना है। ये बेसिकली कहाँ पे अगर पानी का किल्लत थोड़ी बहुत है वहां पे ये जानकारी लेना चाहिए, जहां पे बारिश अच्छी खासी हो जाती है वहां पे आप लगा सकते हो। ये यूनिफॉर्म ज्योमेट्री में लगाना चाहिए, इसीलिए ये अगर आपने जो रिकमेंड बताया हूँ उसी हिसाब से अगर आप लगाएंगे ना, ये आप सभी को बहुत काम में आएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ जो स्पेसिंग है, जो सीड रेट है, जो बीज का लेने का प्रक्रिया है, आप ज्यादा बीज लेके लगाओगे तो ज्यादा कॉम्पिटिशन होगा, तो ये आपको ध्यान में लगाना है। बीज का तादाद भी जो रिकमेंड है वो करना, जो स्पेसिंग है वो करना, तभी आपको ऑप्टिमम रिजल्ट मिलेगा, तभी आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिलता है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कॉटन एक ऐसा घास है, मतलब ऐसा एक वेराइटी है हमारा, और कि ये इससे जो मिट्टी धुलता है, मिट्टी चला जाता है, खनिज तत्वों वाला मिट्टी जो पानी के साथ बह जाता है, इसको रोकने में काम आता है। तो अगर आप ज्यादा वैसा क्रॉप लगाते हो जो कि ड्रेनेज सिस्टम में ज्यादा काम आता है, तो जो कि पानी ज्यादा लगाने में और बहने में काम आता है, तो इसका अल्टरनेटिव इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हो। सर्वनी, जब आप बीज लगाते हो तो मैंने क्या बताया, बीज लगाने के वक्त आप ह्यूमिक लिक्विड, नीम, ग्रीन और हमारा जो है कार्बन, ये चार प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो हमेशा। ये हमेशा ये मतलब 1-1 लीटर, 1.5 लीटर ले लेंगे तो कटाई से लेकर बुआई तक आपका काम पूरा हो जाता है। जब आप नॉर्मल स्प्रे कर रहे हो तो इसका क्या करना है, 25 से 30 ml लेना है 15 लीटर टंकी में, 1 लीटर 15 लीटर टंकी में, और ये पूरा एक, या आप 1 लीटर ले सकते हो 1 एकड़ के लिए। अगर आप ज्यादा रिजल्ट चाहना चाहते हो, क्योंकि कपास में ज्यादा कीड़ा लगता है, तो हर एक 10 दिन में आपको स्प्रे करना जरूरी है। अगर आप बीज लगाने के वक्त इसको भिगो के रखते हो 4 से 3 घंटे तक, तो ये बहुत कारगर काम करता है, ये 200 प्रकार की बीमारियां रोकता है, 40% की कीड़े को ये बचा देता है, तो ये बहुत काम आता है। इसको भिगोना कैसे, आप 30 से 40, 5 kg का अगर आप बीज ले रहे हो तो इसको क्या करना है, 1 kg का बीज, 1 kg का बीज ले रहे हो तो आप इसको 5 ml का पानी में भिगो के रखना है। इसके साथ आप क्या क्या लगा सकते हो, इसको आप ग्रीन लगा सकते हो, इसके साथ ह्यूमिक लिक्विड लगा सकते हो। ह्यूमिक लिक्विड आप लगभग 30 ml लेना 15 लीटर पानी में, या 30 लीटर पानी में आप लगभग 60 ml लेना ह्यूमिक लिक्विड। आप अगर ग्रीन लगा रहे हो, आप 15 लीटर पानी में आप लगभग 1 किलो बीज में आप 5 ml लेना, 15 लीटर पानी में लगभग 30 ml डालना है। अगर आप 30, 40 लीटर, 50 लीटर पानी ले रहे हो तो आपको कितना, 60 ml से 40 ml डालना ग्रीन का कॉम्बिनेशन। हर किसी के साथ आप स्प्रे कर सकते हो, कोई भी एग्रीकल्चर स्प्रे उसके साथ आप स्प्रे करना, इसका रिजल्ट भी देखना। आप देखना कि ये 7 से 8 दिन तक कोई भी बीमारी, आपके बीमारी या कीड़ा, अगर आप पहले से इसका इस्तेमाल करते आ रहे हो डॉक्टर गोल्ड, सुपर गोल्ड, पंजी के साथ, तो ये कोई भी बीमारी आने वाले दिनों में आपको नहीं देता, जब पौधा बड़ा हो जाता है तभी। जैसे हमने बार बार दोहराया था ग्रीन का, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा बायो स्टिमुलेंट कहलाता है, इसमें बहुत सारा हॉर्मोन्स है, डेवलपिंग हॉर्मोन्स, जैसे हमको हॉर्मोन चाहिए, पेड़ पौधा को भी हॉर्मोन चाहिए खाना बनाने के लिए, बढ़ने के लिए, विकसित करने के लिए, फूल विकसित करने के लिए, तो ये इसका काम आता है। तो 1 किलो सेड में 5 से 10 ml लेना है, और नीम का 15 ml लेके आप भिगो सकते हो।
अगर आप जड़ जड़ भिगोना चाह रहे हो तो 2 ml हर 1 लीटर पानी में, और नीम का 30 ml आप ले सकते हो 15 लीटर पानी में। फॉलियर स्प्रे अगर कर रहे हो तो इसका क्या कहना है, 2 से 3 ml लेना है। किसके साथ? जब बढ़ता है 40 दिन, 30 दिन हो गया या 15 दिन हो गया, तभी आप इसका नीम के साथ, कार्बन के साथ या जैकपॉट के साथ। जैकपॉट के साथ कब करना है? जब फूल खिलता है, फूल खिलने के पहले, या जब उसका पॉड निकलना होता है। कॉटन का पॉड होता है, कॉटन फूटता है तो उसका जो पॉड होता है ना, उसका जब होने से पहले, आप अगर 15 दिन से पहले ग्रीन का और जैकपॉट का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपका जो खोखलापन है, आपका जो कपास है वो ज्यादा घना, ये आपका कपास जो है ज्यादा फाइबरस कंटेंट में ज्यादा आ जाता है, क्योंकि इसका दो जो है खोखलापन, जो हमारा ग्रीन में जो हॉर्मोन्स का चाहिए, जो हमारा जैकपॉट में जो हॉर्मोन्स चाहिए, वो दो बायो स्टिमुलेंट कहलाते हैं। तो ये बहुत कारगर काम करता है उसमें। इरिगेशन शेड्यूलिंग, आप हमेशा ध्यान रखना पानी देने का टाइमिंग भी अगर आप मेंटेन करेंगे सही से, तो आपका पैदावार बढ़ता है। ज्यादा पानी देना खराब है कपास का, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका कपास में ज्यादा बीमारियां आएगी। पहले फंगल आएंगे, उसके बाद बैक्टीरिया, उसके बाद वायरल, उसके बाद कीड़ा लगना शुरू। तो ये आपको ध्यान में लगना। तो बॉल डेवलपमेंट पहले 60 से 70 दिन तक आपको पानी थोड़ा बहुत देना रहता है। ये आप बेसिकली जगह जगह के ऊपर होता है। अगर आपका सॉइल मॉइस्चर ज्यादा है तो आपको 50 से 70% का पानी कम कर ले सकते हो। अगर आपका लोमी सॉइल है रीजन में, 3 से 5 इरिगेशन आप दे सकते हो। तमिलनाडु में 14 से 13, मतलब लाइट इरिगेशन, कम इरिगेशन में होता है, क्योंकि थोड़ी बहुत बारिश वहां पे हो जाता है। तो ये आपके क्षेत्र के हिसाब से, अगर आप मेरे से कॉल करेंगे तो मैं आपको जिस क्षेत्र में कब कब पानी भी लगाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये है फर्टिलाइजर का डोसेजेस, आपको इसी तादाद में इस्तेमाल करना है। ये 60 से 100 किलो बोला है, तो आपको 60 किलो ही लेना है 1 एकड़ में। ये हेक्टर में है, हेक्टर एकड़ में आपको 50 किलो ही काफी है। तो और पोटेशियम और हमारा जो फॉस्फोरस है वो आपको सॉइल टेस्ट करके ही लगाना है, क्योंकि किसान क्या करता है, जैसे हमारा सेहत है, हम टेस्ट करते हैं अगर कुछ बीमारी आता है, वैसे मिट्टी भी का भी सेहत होता है। सॉइल टेस्ट उसको करना चाहिए, हर 1 3 साल से 2 साल तक सॉइल टेस्ट कर देंगे तो हमको कौन सा खनिज तत्व कमी है, कौन सा हमको फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करना है, वो पता चल जाता है इससे। ये आपको नॉर्दर्न रीजन में कितना, सेंट्रल रीजन में कितना, साउदर्न रीजन में कितना, ये आपको कितना तादाद में जिंक के साथ कितना लगाना है, पोटेशियम आपको कितना तादाद में, एनपीके लगाना है, ये सब हाइब्रिड वेराइटी के अनुसार ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप जान सकते हो। और बायो फर्टिलाइजर में कौन कौन सा इस्तेमाल कर सकते हो, एक हमारा हो गया एजिप्टोबैक्टर हो जाता है, जो स्पाइरिलियम हो जाता है, ये सब आपको बाहर मिल जाएंगे। तो ये है बेसिकली फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। यहाँ पे आप दे सकते हो, जब डीएपी यूरिया लगा रहे तो ह्यूमिक ग्रेनुलर्स लगाना, उसके साथ ब्लैक मैजिक लगाना, नैनो यूरिया लगा रहे हो तो, और ह्यूमिक लिक्विड लगाना, उसके साथ ब्लैक मैजिक जरूर लगाना। कार्बन, तो कोई पूछे थे कार्बन के बारे में, तो कार्बन के बारे में आ गया अभी, सुनाई दे रहा ना आप सभी को। राजेश जी, पैडी के लिए क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए वो मैंने आपको डाल दिया है पैडी में, तो आप दे सकते हो। तो पैडी के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल, मतलब हमारा एस एस पी एल हब प्राइवेट लिमिटेड का जो भी चैनल है वो आप जाके वहां पे देख सकते हो। मैं आपको रिकमेंड लिंक भी दे दूंगा, मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको भेज दूंगा वो प्राइस पर। तो कार्बन, कार्बन क्या है ना, ये लिग्नाइट से आता है। लिग्नाइट क्या है, ये कोयला होता है, डस्ट कोल बोलते हैं इसे। कोयला जो मतलब लो ग्रेड का कोयला होता है, उससे कोयला का एक फॉर्म होता है, उसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा रहता है। तो कार्बन क्या करता है, आपकी सूक्ष्म जीव पनपने में, जड़ विकसितता में, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस में ये काम करता है। शूट डेवलपमेंट, रूट डेवलपमेंट, पिटियोल डेवलपमेंट, लीफ डेवलपमेंट, मतलब कैरियर, नट कैरियर्स, वो सब इसमें काम आता है। आप कब कब किसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, वेजिटेटिव ग्रोथ में सर्वर ग्रीन के साथ जब 40 दिन 30 दिन हो गया, रूट डेवलपमेंट में जब आप ब्लैक मैजिक या ह्यूमिक लिक्विड इस्तेमाल करते हो तभी आप डाल सकते हो, जब आप बीज को आप ट्रीट करते हो, जब बोने के पहले जब आप लगाते हो, नीम के साथ, ग्रीन के साथ लगा सकते हो,
माइक्रोबियल ग्रोथ और पेस्ट मैनेजमेंट में भी ये काम आता है। आप सुपर गोल्ड, डॉक्टर गोल्ड के साथ, पंजी के साथ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आया? कोई पूछा था कार्बन का, अगर कोई डिटेल में और चाहता है तो आप सुन लीजिए फिर से। ओके ओके, कार्बन का समझ में आ गया ना आपको अभी तक जो भी मैं बताया था प्रोडक्ट्स का? हर कोई का ये आया है। ओके सर्वर जैकपॉट, जैसे हम बताया था जैकपॉट में बहुत सारे जिनसिंग होता है, काई होता है, समुद्री काई, वो बहुत खनिज तत्वों से भरा हुआ होता है। इसमें आपको साइटोकाइनिन भी मिल जाता है, इसमें आपको K2O5 भी मिल जाता है, ये बहुत काम आता है। ये बेसिकली फॉलियो स्प्रे में आप इसका नेम से, कार्बन से और जैकपॉट को मिला के आप छिड़काव कर सकते हो। इंटरकल्टिवेशन और वीड कंट्रोल, आपको ध्यान रखना है कि बहुत लोग क्या करते हो, जो खरपतवार है उसका इस्तेमाल ज्यादा करना शुरू कर दिए, उससे ही ज्यादा बीमारी आता है। ग्लूफोसिनेट एमोनियम, ग्लाइफोसिनेट या आप ग्लाइफोसेट, ये सब इस्तेमाल थोड़ा कम कर दिए, क्योंकि इससे क्या होगा ना, इसके बदले आप अगर बीच बीच में अगर पौधा और कोई पौधा लगा रहे हो, कौन कौन से पौधा भी लगा सकते हो मैं बताता हूँ आपको। आपको उससे क्या होगा, कपास की खेती जब तक है तब तक आपको पैसा आता रहेगा। जैसे कि आप अगर चाहिए तो आप ब्रिंजाल लगा सकते हो, ओकरा लगा सकते हो, भिंडी लगा सकते हो, बैंगन लगा सकते हो, आलू, कैरेट, ये सब आप लगा सकते हो। आपको चलना है, देख के चलना है, इससे आपको पैदावार और पैसा ज्यादा आ जाता है। आप ये हमारा मैक्स है, मैक्स एक एक्टिवेटर का भी काम करता है, एज ए ग्लू भी काम करता है। 5 ml 15 लीटर टैंकी में लेके स्प्रेडर की तरह आप स्प्रे कर सकते हो। इससे क्या होगा, ये और ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करने से ना, ये उकतापन बीमारी रोक देता है। ये आपकी यूरिया और DAP 25% का उसका पावर बढ़ा देता है। आपका पानी जो है 1-2 बार कम लगाना शुरू हो जाता है। और इससे क्या, बहुत सारे बेनिफिट्स है। ये अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो स्टिकर का इस्तेमाल मत कीजिएगा, अगर आप बिना इसके इस्तेमाल कर रहे हो तो स्टिकर का इस्तेमाल कीजिएगा। सर्वस्टिकर क्या है ना, ये कोई भी केमिकल आप इस्तेमाल अगर कर रहे हो तो इसका इस्तेमाल करने से, अगर आज कर रहे हो कल बारिश धुल जाता है तो ये बारिश धुलने से भी बचता है। आप घुया का पत्ता लेना और उसमें एक ड्रॉप डालना, ये फैल जाता है, चादर की तरह एक सतह बना देता है, ये छोड़ता नहीं है। बारिश गिरे, ओस गिरे या कुछ भी आए, हमारा जो केमिकल का सोल्यूशन होता है, जो हमारा कुछ भी हम स्प्रे करते हैं, तो ये फैलता ज्यादा है, इसका पहुंच बढ़ा देता है। ये क्या करता है, आपकी जो तादाद है केमिकल यूसेज का उसको घटा देता है। मतलब अगर 10 दिन का केमिकल पावर था तो 20 दिन तक रोक देता है। मतलब आपको वहां पे पैसे का बचत हुआ ना बेसिकली, तो ये है स्टिकर का लाभ। तो आप इंटरक्रॉपिंग कौन कौन सा कर सकते हो, कब कर सकते हो, ये आपका क्षेत्र के अनुसार है। अगर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है तो आप कॉटन के साथ क्या बोलते हैं उसको, गेहूं कर सकते हो, कॉटन के साथ मस्टर्ड कर सकते हो, बरसिंग कर सकते हो। इंटरक्रॉप नहीं कर पाओगे आप, कॉटन के साथ कर सकते हो, इंटरक्रॉपिंग आप नहीं कर पाएंगे। मध्य प्रदेश में आप कॉटन मोनोक्रॉप करके कॉटन जोवार बना सकते हो, 2 साल 2 साल के कॉटन और हमारा जो गेहूं बना सकते हो। कॉटन इंटरक्रॉप में कॉटन और ब्लैक ग्राम लगा सकते हो, कॉटन और सोयाबीन लगा सकते हो 2:1 रेशियो में। गुजरात में कॉटन के साथ जो 2-year rotation वैसा ही जैसे मध्य प्रदेश में, इसके साथ आप हमारा जो है मूंगफली लगा सकते हो। देसी कॉटन के साथ आप हाइब्रिड कॉटन के साथ मूंगफली, देसी कॉटन के साथ ब्लैक ग्राम, तो ये आपके पैसा बढ़ाने की प्रक्रिया है। और जो आपके बचा हुआ जगह में अगर आपका वेस्ट, आप कोई और चीज उगा रहे तो उसमें क्या है, आप जाके फिर से हर्बिसाइड लाओगे, खरपतवार लाओगे, स्प्रे करोगे, उसको मारोगे, उसके बदले इसको करना, इससे पैसा आपको आएगा। उसको बस देखभाल करना है, इसका स्प्रे करने के बाद जिसको भी स्प्रे कर दीजिए, आपको पैसा दुगना होता है। तो ये है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में आप पल्स जोआर के साथ, ग्राउंडनट, ब्लैक ग्राम के साथ, ब्लैक ग्राम पिजियन की चिल्ली के साथ, सोयाबीन के साथ, ऑनियन के साथ, इस सब के साथ आप कर सकते हैं। बेसिकली इंसेक्ट और पेस्ट का मैं यहाँ पे केमिकल का सुझाव नहीं देता हूँ, लेकिन ये केमिकल का सुझाव है, क्योंकि जो ये बीमारी आता है, अगर आपको जैसिड और एम्फिड है तो मिथाइल डाइमिथॉइड, डाइमिथॉइड, ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रिप्स आ रहा है तो ये इसके बदले अगर आप पहले ही सुपर गोल्ड और डॉक्टर गोल्ड इस्तेमाल कर रहे हो
तो आपको ये नौबत नहीं पड़ेगा, अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये नौबत आपको आएगा। और जो तादाद में, और जब जब हम बताएं तभी तभी आप अगर कर लोगे, तो ये सब केमिकल इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा आपको। सर्वो सुपर गोल्ड, सर्वो सुपर गोल्ड एक हमारा हर एक प्रोडक्ट नेचुरल होता है, ऑर्गेनिक होता है, और ये इको फ्रेंडली होता है, वातावरण को अच्छा है, आपके सेहत के लिए अच्छा होता है। सुपर गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये टारगेट पेस्ट किलिंग में काम करता है, ये देख के मारता है, दुश्मन कौन है उसको मारता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सूडी है, बीटल्स है, यहाँ पे पत्ते काटने की कीड़ा है, वो सब कीड़ा यहाँ से मर जाता है, यहाँ से कोई भी कीड़ा बच के नहीं जाता। लीफ माइनर हो गया, एंफिड हो गया, जैसिड हो गया, आपको डाइथायरॉइड, ये सब बीमारी सुपर गोल्ड से मिट जाता है, ये सब बीमारी आपको डॉक्टर गोल्ड और फंजी से मिट जाता है। तो जो भी बैक्टीरियल, फंगल, मिल्ड्यू, बॉल रॉट, रूट रॉट, लीफ कर्ल, लीफ रेडनिंग, ये सब आ रहा है, तो इसका आप हमारा डॉक्टर गोल्ड और सुपर गोल्ड इस्तेमाल कर सकते हो। इंसेक्ट्स और पेस्ट में जैसी सैंफिड, स्ट्रिप्स, व्हाइट फ्लाइज, बॉलवॉर्म्स, सूडिया, वो सब जो भी आ रहे, वो सब आप हमारा सुपर गोल्ड इस्तेमाल करके मिटा सकते हो। हमेशा मैं सुझाव देता हूँ, बस सुपर गोल्ड, बस डॉक्टर गोल्ड नहीं, उसके साथ नीम का स्प्रे करना। पहले दिनों में हमारा किसान नीम का स्प्रे करता था, आजकल नीम स्प्रे नहीं करता है। वैसे ही सर्वो फंजी हो गया, फंजी हमारा ये क्या करता है, ये फफून की बीमारियां, जो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, फफून की जैसे बीमारियां हैं, सफेद सफेद काला धब्बा बीमारियां फफून की तरह आया, उसमें आप स्प्रे कर सकते हो। ये 1 से 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में, मतलब 15 लीटर पानी में 30 ग्राम, और ये भी 15 लीटर पानी में सुपर गोल्ड 30 ग्राम, और डॉक्टर गोल्ड आपको हमेशा ये भी 60 से लेके 60 ग्राम 1 एकड़ में हो जाता है, या आप 10 ग्राम 15 लीटर टैंकी में लेना पड़ेगा आपको। ये क्या डॉक्टर गोल्ड, हम जैसे बताया था यहाँ पे दे सकते हो वायरस, फंगल और बैक्टीरियल और सॉइल बोन डिजीज, बैक्टीरियल सभी प्रकार की बीमारियों से ये बचाता है हमारा। और आइए चलते हैं स्कीम्स, हमारा गवर्नमेंट कौन कौन सा स्कीम्स लाया है, किससे आपको लाभ ज्यादा है, किस स्कीम में आप अगर काम करेंगे तो आपको पैदावार ज्यादा मिलता है, किस किस क्षेत्र में कौन कौन से स्ट्रीम है, ये सब आप जान सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लॉन्च सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ टेक्नोलॉजी मिशन जो टीएमसी है, ये 2000 से शुरू है। मिनी मिशन 2, मिनी मिशन 1 टीएमसी का एक भाग होता है, इसका प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ाना है, प्रोडक्शन कॉस्ट घटाना है और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, इसका मकसद ये होता है कि किस क्षेत्र में मिलता है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स का, डीएएफ, डीएससी एंड एफडब्ल्यू का ये एक गठबंधन है, ये 13 राज्यों में हमारा मिलता है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा, इक्कीस क्षेत्र में आपको ये मिल जाएगा ये स्कीम में। और ये स्कीम से आपको 75 से 25% आपको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम होता है, 75% सेंट्रल देता है और 25% स्टेट गवर्नमेंट देता है, तो ये बहुत अच्छा स्कीम होता है, इसका आप 100% रिटर्न आप ले सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कपास का खेती करके। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑफ इंडिया, इसमें कमर्शियल क्रॉप में कॉटन आता है, ये फूड सिक्योरिटी में बस एक भाग हो गया, इसमें भी आप बहुत सारे 15 राज्यों आता है, जैसे कि आसाम, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे दे सकते हो। इससे क्या है, 90-10% आपका कमर्शियल जो होता है ये आपका नॉर्थ ईस्ट इस रीजन में ज्यादा आपको अच्छे से मिल जाता है। और ये भी मतलब आरके वाई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भी ये आता है, ये आपको कमिटीज बिठाते हैं, आपको सैंक्शन देते हैं, या अगर आपका सर्वे नंबर भूल आ गया है, उसमें कोई दिक्कत आ रहा है, या आपका जो भी क्लेमिंग है जो प्रोग्राम के अंदर अगर आपका नहीं आ रहा है, तो ये कृषि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में ये आप क्लेम कर सकते हो। तो चलिए अब खत्म हुआ हमारा कपास का, तो अब चलते हैं अभी डिटेल में, अभी हम चलते हैं और हमारा जिस जिसको अगर आपको अगर लग रहा है कि हमारा वेब सेमिनार अच्छा है तो आप प्लीज रिव्यू दे सकते हो, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं, हैंड रेज करना, बिल्कुल हैंड रेज करके आप पूछ सकते हो। आप सभी को पसंद आया ना आज का वेबिनार? ओके ओके ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। प्लीज आप चैट बॉक्स में डाल के आप सभी मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं। या, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रितेश जी, ठीक है।
आप हैंड रेज कीजिए अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, आपका कुछ जानकारी लेना है, अगर आपको कुछ सुझाव है या आपको कुछ बताना है या आपको कुछ मतलब एक्यूर करना है नॉलेज, तो आप मेरे से ले सकते हो। चलिए मैं हैंड रेज किए हैं तो देख रहा हूँ। चलिए गायत्री जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप मेरे से पूछ सकते हो अगर कुछ पूछना है। प्लीज अनम्यूट करके पूछिएगा। या आप अनम्यूट की कर रहा हूं। चलिए या गायत्री जी, या बोलिए सर। हेलो मैम, गायत्री मैम आप पूछ सकते हैं अगर कुछ पूछना है तो। ओके चलिए, तपन जी आप हाथ उठाए थे, तपन जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अब पूछिएगा। ओके अदरक की फसल में प्यारी लाल जी, सॉरी मैं आपको दो बार सुना, मैं अगले सेमिनार में अदरक का लाऊंगा, वादा है मेरा। अगले सेमिनार जल्द अगले हफ्ते में मैं आपको अदरक का लाऊंगा, अदरक का हर एक वैरायटी का कैसे क्या करना है वो भी बताऊंगा। अदरक हो गया, हल्दी हो गया, राइजोम का जो भी वैरायटी होता है, अदरक का जो भी फैमिली वैरायटी है, जिंजीबियम का, वो सब आपको मैं आपको लेके आऊंगा। सर्वो मैक्स और ब्लैक मैजिक दोनों मिला के आप डाल सकते हैं, उससे क्या है ना आपकी जो अदरक का जो रूट डेवलपमेंट है, जो राइजोम डेवलपमेंट है, वो अच्छा होता है, अगर पीला पीला पड़ रहा है वो भी रुक जाता है। सही है राजेश जी, धान का मेरा ऑलरेडी हो गया है सर, तो आप यूट्यूब में जाके देख सकते हो, या मैं यहाँ पे आप मेरा नंबर डाल रहा हूँ तो आप मेरे को एक बार वहां पे हाई भेजना, या आप पूछ सकते हो मेरे को कॉल करके, सर प्लीज मेरे को वीडियो भेज दीजिएगा, मैं भेज दूंगा, या आपको उसका मैं पीपीटी ही भेज दूंगा आपको। ओके 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 चैट बॉक्स में मैं डाला हूँ, ठीक है जी। अगर किसी को मेरा नंबर चाहिए प्लीज टेक, यू कैन गेट फ्रॉम दैट चैट बॉक्स में, मैं अभी डाला हूँ। सर मक्का का भी, महेश कुशवाहा जी, मैं मक्का का भी कर चुका हूँ सर, यूट्यूब में है, प्लीज आप जाके यूट्यूब का SHPL सर्वश्री हब्स प्राइवेट लिमिटेड का हमारा एक चैनल है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो, मेरा ही नहीं आप हर एक का, हर एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, हेल्थ का, हमारे लीडर्स का, हमारे जो भी सर्वसियंस का, उनका एक्सपीरियंस का, हमारे किसान भाई लोगों का टेस्टिमोनियल वीडियो, वो सब वहां पे होता है सर। प्लीज जाके आप, मेरा फोटो दिखता होगा वहां पे, क्लिक कीजिएगा, अगर वो कौन सा है वो देखिए, आप फिर से बैठ जाइएगा, वो मक्का का भी है उसमें, गन्ना का भी है उसमें, उसमें कुकुम्बर का भी है, मतलब खीरा, तरबूज, खरबूज, और उसके बाद हमारा अभी हो गया ये कपास, तो ये मैं हर एक का मैं कवर कर रहा हूँ सर। प्रवीण जी मेरा नंबर, मैं तीसरी बार ये दे रहा हूँ, आप प्लीज चैट बॉक्स में देख सकते हो, 8755063398, ये मेरा नंबर है, प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, 8755063398, ये मेरा नंबर है। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू। तो 9:04 हो रहा है, प्लीज और कोई कुछ पूछना चाह रहा है, धान को लगा के 10 दिन हुए हैं सर, क्या डाला है? या राजेंद्र जी, राजेंद्र काम्भोज लद्दू का जी, तो ये आपको धान लगा के 10 दिन जो हो गया, ये आप इसमें नील डॉक्टर गोल्ड का स्प्रे कीजिएगा पहले, दूसरे चरण में क्यूमिक लिक्विड ग्री का स्प्रे करना 10 दिन के गैप के अंदर, जब आप जाके लगाने वाले हो तो आप तभी, किसका स्प्रे करना है, कार्बन ग्रीन और जैकपॉट, ये तीनों का। ओके 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 सभी को थैंक यू, आप सभी बहुत सब्र से वेट कर रहे हो, अभी भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं मेरे साथ, आई रियली थैंक यू अलॉट, अभी भी बहुत पेशेंस के साथ देखते हैं, और एक वेब सेमिनार में आपको मुलाकात करेंगे, तब तक जय सर्वश्री, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू सभी, थैंक यू जी, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट, ओके गुड नाइट जी।
यू संजय जी, ओके।